हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 24 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो 24 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो कि हमने 23 तारीख के लिए देखिए हमने जो कि 23 तारीख के लिए कल्याण के लिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 9 गेम के बारे में बात किया था। तो 23 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में 98 का जोड़ी गेम बना था। तो स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम से यहाँ पर देखिए 9 ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है 23 तारीख के गेम में। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि 23 तारीख के लिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में 9 गेम के बारे में बात किया था। तो स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम से 9 ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है, तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर अभी तक आपने 23 तारीख का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे 24 तारीख के लिए कल्याण के लिए शनिवार के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए 24 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और जो मैं आप लोगों को 24 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 24 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गेम देखने से पहले, लाइन देखने से पहले आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ आपको पास में एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन सब को यहाँ पर इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर डेट को चेंज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर 24 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए लाइन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे, लाइन यहाँ पर 23 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि यहाँ पर 23 तारीख के गेम से ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, उसके बाद जोड़ी गेम से सेकेंड लाइन देखेंगे, उसके बाद क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 24 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 379 का अंक। उसके बाद सेकेंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 98 का जोड़ी गेम। उसका थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 134 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, तो फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 379 का अंक। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 और 7 को जोड़ेंगे, 10 का अंक बनेगा, 10 से 0 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 7 और 9 को जोड़ेंगे, 16 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से, देखिए 17 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 का अंक बनेगा। उसके बाद 1 और 7 को जोड़ेंगे, 8 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए 2 और 8 को फिर से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से 10 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 का अंक बनेगा। 1 और 1 को फिर से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है। तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, जो कि फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 379 का अंक। तो 3 और 7 को जोड़ा, 10 का अंक बना, 10 से 0 को लिखा, 1 रहने दिया। उसका 7 और 9 को जोड़ा, 16 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया, 17 का अंक बना। उसके बाद देखिए 0 का वैल्यू 10 की जगह पर 1, तो 1 और 1 को जोड़ा, 2 का अंक बना। उसके बाद 1 और 7 को जोड़ा, 8 का अंक बना। उसके बाद 2 और 8 को जोड़ा, 10 का अंक बना। उसका देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1,
तो वन और वन को जोड़ा टू कांग बना, वन और वन को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से जीरो कांग देखने को मिला है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए टू और ज़ीरो कांग देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए टू और ज़ीरो कांग देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर सेकंड लाइन देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए तो जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 98 का जोड़ी गेम, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 9 और 8 को जोड़ देंगे, 9 और 8 को जोड़ेंगे 17 कांग बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 कांग बनेगा। उसके बाद 1 और 7 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 6 कांग बनेगा। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 8 और 6 कांग देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए तो 98 का जोड़ी गेम, तो 9 और 8 को जोड़ा 17 कांग बना। उसके बाद 1 और 7 को जोड़ा 8 कांग बना, 1 और 7 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 6 कांग देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 8 और 6 कांग देखने को मिला है। तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 8 और 6 कांग देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर थर्ड लाइन देखेंगे, थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। तो क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 1 3 4 कांग, तो देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 कांग बनेगा। उसका 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 कांग बनेगा। उसका देखिए 4 और 7 को फिर से जोड़ देंगे, 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 कांग बनेगा। उसका 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 कांग बनेगा, 1 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 कांग बनेगा। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला है। तो लाइन और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ, जो कि थर्ड लाइन क्लोज पैनल से तो देखिए लाइन और एक बार क्यों समझेंगे ये भी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोगों को एक बार में लाइन समझ में नहीं आता है तो और एक बार लाइन समझाने से उन लोगों को समझने में आसानी होता है। और देखिए अगर एक बार लाइन करने में अगर कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक होता है तो और एक बार लाइन समझने से वो भी पता चल जाता है, तो इसीलिए लाइन और एक बार समझेंगे, ठीक है। तो थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, तो क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 1 3 4 कांग, तो 1 और 3 को जोड़ा 4 कांग बना। उसका 3 और 4 को जोड़ा 7 कांग बना। उसका 4 और 7 को जोड़ा 11 कांग बना। उसका 1 और 1 को जोड़ा 2 कांग बना, 1 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 कांग देखने को मिला है। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला है। तो अभी इसको भी यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला है। उसका सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 8 और 6 कांग देखने को मिला है। उसका थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिला है। तो अभी जो यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, तो ये तीनों लाइन पहला लाइन देखने को मिला है। तो इनसे अभी यहाँ पर और एक लाइन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे। तीनों लाइन से और एक करके लाइन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर गेम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 2 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 कांग बनेगा। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में, तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से यहाँ पर देखिए 8 और 6 कांग देखने को मिलता है। तो 8 और 6 को फिर से जोड़ देंगे, तो 8 और 6 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 14 कांग बनेगा, 1 और 4 कांग। अभी 1 और 4 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 कांग बनेगा। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन में, तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 कांग देखने को मिलता है। तो 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 2 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 कांग बनेगा। लेकिन देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 3 कांग पहले से देखने को मिला है, तो इसलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 3 कांग देखने को मिला है 3 कांग को नहीं देखेंगे, 3 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 3 का फैमिली 8 कांग। तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 3 कांग देखने को मिला है और 3 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 8 कांग देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 5 कांग देखने को मिला है, तो 5 की फैमिली को और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 5 का फैमिली 0 कांग। तो अभी यहाँ पर इन सबको रेस करके यहाँ पर गेम में देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ।
तो स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 3 और 8 कांग देखने को मिला है। उसके बाद नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 5 और 0 कांग देखने को मिला है। तो गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 24 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने हर एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।